डॉक्टर लीला गुप्ता, सब कुछ करना परफेक्शन से ज़रूरी नहीं है. शी सेड इवन यू नो एक्सपर्ट से दैट यू हैव टू लेट गो, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए. पर ऐसा होता नहीं है. हमारी इमेज ऐसी है, देखिए कितनी अच्छी दाल बनाती है लेकिन डॉक्टर है हमारी बहू. देखिए ये चीज़ें बदस्तूर जा रही हैं फिल्मों में, किताबों में, टीवी सीरियल्स तो पूछिए ही मत, वहाँ तो सब कुछ ही कर लेती हैं औरतें, यू नो मेकअप तो हद से ज़्यादा. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर लीला गुप्ता कि सब कुछ अचीव करना शायद ज़रूरी नहीं है और प्रायोरिटाइज करके वर्क लाइफ बैलेंस को हाथ में पकड़े रखें? एब्सोल्युटली ग्रेट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, बट आप उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो जिसको आप उसी समय कर रहे हो, बहुत दिमाग लगा के, दिल लगा के, ध्यान से कर रहे हो. वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग एट वन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज़ अ हाउस वर्क और इट इज़ अ पेशेंट्स वर्क. सो जब पेशेंट के साथ हैं तो डोंट थिंक अबाउट घर. वेन यू आर एट होम देन यू हैव टू समटाइम थिंक अबाउट पेशेंट, बट ऑफकोर्स यू कैन मैनेज इट, दो इट इज़ नॉट ईजी. इट इज़ नॉट ईजी क्योंकि कई बार जब आप खाना बना रहे होते हो, आपने रोटी डाली तवे पे और उधर से आ गया कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रही है, तो आप वहीं छोड़ के भाग जाओगे. सो हमको ऑल्टरनेटिव तरीके निकालने पड़ते हैं सो दैट थिंग्स आर डन नाइसली. बट नोबडी इज़ परफेक्ट. लेकिन लेडीज़ के संग एक ख़ास बात ज़रूरी है, जैसे मैम ने कही कि एवरी वुमेन इज़ अ वंडर वुमेन, एंड आई वॉन्ट टू टेल, मैं किसी यहाँ पे जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेडीज़ के अंदर जितनी पावर होती है दैट इज़ इमेंस. एक लेडी जो है ना केवल बच्चा पैदा करती है, उसको हर मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसको कितना कुछ शुरू से झेलना पड़ता है, फिर अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे को पालना भी पड़ता है, ब्रेस्ट फीड भी कराना पड़ता है, उसके बाद बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी को बोला जाता है कि भाई यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर. हस्बैंड से कोई खास नहीं पूछता है कि तुमने अपने बच्चे को ठीक से क्यों नहीं पाला. और उसके बाद अगर बच्चे कुछ भी कहते हैं तो वो फादर से नहीं कह पाते, माँ को ही सुनाते. तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो बर्डन और टॉलरेंस है वो माँ को ही झेलनी पड़ती है. इसके अलावा तो मैं ये नहीं कह सकती कि परफेक्शन और नो परफेक्शन, बट इसके बावजूद भी वुमेन मैनेज एवरीथिंग क्वाइट परफेक्ट. एब्सोल्युटली, एंड आई विश ऑल द वुमेन इन द ऑडियंस एटलीस्ट अप्लॉड. अलका, थैंक यू सो मच.